जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं रजनी शेषी शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ मेष राशि वालों का अपना मासिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं मेष राशि के सितारे जुलाई 2020 के लिए, कैसे बीतेगा उनका जुलाई मास का महीना, इस सब की जानकारी लेकर। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा ग्रह के हालात के बारे में, कैसे हैं आपके ग्रह गोचर। तो मेष राशि वालों, वृष राशि में आपके लिए पूरे महीने के दौरान शुक्र देवता मार्गी होकर विराजमान होंगे। मिथुन राशि में राहु महाराज, बुध देवता, ये दोनों वक्री होकर विराजमान रहेंगे, जबकि सूर्य देवता मार्गी होकर विराजमान होंगे। किंतु 12 जुलाई को बुध देवता यहां पर वक्री हो जाएंगे और शुभ फल देने लगेंगे। राहु महाराज की यही स्थिति रहेगी मगर, और सूर्यदेव 14 जुलाई के बाद यहां से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्थिति भी आपके बहुत फायदे के लिए है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भगवान को ग्रहण लगा हुआ था मिथुन राशि में। अब वो अपने दूसरे मित्र के यहाँ चले जाएंगे तो वहां वो आपको बहुत सारी खुशियां प्रदान करेंगे। बात करते हैं जुलाई महीने के स्टार्टिंग में चंद्र देवता तुला राशि में विराजमान होंगे, किंतु पूरा सभी राशियों में घूमते घूमते अंत में जो चंद्र देवता है वृश्चिक राशि में पहुंचकर समाप्त होंगे जुलाई मास के एंड पर। और बृहस्पति देवता और जो केतु महाराज है दोनों ही वक्री होकर धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि मकर राशि में शनिदेव वक्री होकर विराजमान होंगे और मंगल देवता मीन राशि में विराजमान रहेंगे। यहीं से ये सभी ग्रह देवता आपके ऊपर अपने अपने शुभ आशीर्वाद और अशुभता यानी दंड की वर्षा करेंगे। किनको मिलेगा ये दंड या किनको मिलेगा आशीर्वाद, इसका निर्धारण वो नहीं करते हैं, आपके कर्म करते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। अब देखिए, एक ही समय में 10 बच्चे जन्म लेते हैं। मान लीजिए एक राजा के यहां पैदा हुआ, एक प्रधानमंत्री के यहां पैदा हुआ, एक मंत्री के यहाँ पैदा हुआ, एक ऑफिसर के यहाँ पैदा हुआ, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हुआ, एक छोटे मोटे बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हुआ, एक क्लर्क के यहाँ पैदा हुआ, एक फुटपाथ पर भिखारी बनकर पैदा हुआ। अब एक ही जैसे ग्रह हैं सभी बच्चों के, क्योंकि उनका जन्मकुंडली तो एक ही बनेगी। एक समय पर जब जो बच्चे पैदा होंगे एक ही शहर में होंगे, दिल्ली इतना बड़ा शहर है या मुंबई इतना बड़ा शहर है, इसमें 10 क्या बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं एक समय। ऐसे समय पर एक ही ग्रह वाले व्यक्ति अलग अलग जगह पर क्यों पैदा हो रहे, वो पिछले जन्म के कर्म थे। तो कोई तो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हो रहा है, किसी के लिए 10-10 गाड़ियां पहले ही खड़ी हुई है, किसी के लिए 50 नौकरों की फौज है, और कोई क्लर्क के घर में एक एक पैसे को परेशान व्यक्ति के घर में पैदा होता है, और कोई तो हाथ में सीधा कटोरा लेकर ही पैदा होता है, माता उसे पीछे लटकाती है या पिता उसका गोद में लेता है और भीख मांगने लगते हैं देदाता के नाम। अब निर्णय आपने करना है कि आप अपने इन पाप कर्मों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसी तरीके से पढ़ाई रखना चाहते हैं। आप सोचते हैं कोई देख तो रहा नहीं है, इसको लूट लू, उसको लूट लू, उसको ठग लू, उसका मार के बैठ जाऊं, उसका बुरा कर दूं, उसकी टांग भगवान करे उसका ये हो जाए या मैं ही कर दूं। तो कैसे आप भगवान से सोच सकते हैं कि आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 100 बार सोचिए एक छोटा सा भी पाप कर्म करने से पहले, वरना दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। पता नहीं आपके कौन से कर्म आपको किस हालात में जन्म दिलवाने अगला, या इसी जन्म में आपकी स्थिति इतनी दुर्गति
हो जाए या इसी जन्म में आप इतनी उन्नति कर लें, तो ये सब हमारे कर्मों के आधार पर है। तो हर बार अच्छा कर्म करने से पहले तो सोचने की जरूरत ही नहीं किसी को दान पुण्य कर रहे हो, सोचिए ही मत कि कम हो जाएगा खत्म हो जाएगा मैं कैसे होगा, जो है कर दीजिए। मगर बुरा कर्म करने से पहले तो 100 बार सोची मैं करूं या ना करूं, कहीं इसका दंड इतना बुरा हो के कहीं कैंसर के रूप में, कहीं अंग भंग होने के रूप में, कभी लीवर फेलियर के रूप में, कभी हार्ट अटैक के रूप में, कभी पैरालिसिस के रूप में, कभी किसी गोली से मौत के रूप में हमें प्राप्त होता है। मगर जो भी व्यक्ति अपने पूर्व में किए गए पाप कर्मों की स्वीकारोक्ति मुझे अपना गुरु मानकर करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ छोटे मोटे उपाय करके अपने पापों का तीव्रता को कम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है पापों की स्वीकारोक्ति के नाम से, उस लिंक को क्लिक करके आप अपने विषय में और उस कार्य के विषय में हमसे राय मांग सकते हैं, उपाय मांग सकते हैं। हम अगर आप डिटेल देंगे तो हम पूरी मदद करेंगे आपके लिए। इसके साथ ही प्रिय भक्तगण, आपकी बदौलत आज मेरा यह चैनल 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल बन चुका है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि देखते तो करोड़ों हैं मगर 15 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो बेल का आइकन है नोटिफाई जरूर करें, उसमें क्लिक करते हैं ऑल नोटिफिकेशन। आप बेशक मेरी इस वीडियो को लाइक मत करिए, मुझे किसी लाइक की जरूरत नहीं है, किंतु सनातन हिंदू धर्म की ज्ञान की ये गंगा सतयुग से त्रेता, त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से युग कलयुग तक पहुंच पाई है हमारी संतों की अनवरत तपस्या और खोज के फलस्वरूप। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मूला हमको प्राप्त हुए हैं अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर, तो ये गंगा निरंतर आगे भी बहती रहे, इसे कोई अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के बाद भी छीन ना सके, कोई 900 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं ने जो हम पर शासन किया है, हमारे धर्म स्थलों को तबाह किया है, उसके बावजूद भी ये जीवित बनी रही, वो सब आप लोग के पूर्वजों की बदौलत है। तो आप भी इस ज्ञान को आगे शेयर करके फैलाते रहिए, जितना शेयर करेंगे अपने रिश्तेदारों मित्रों के साथ उतना ही ये ज्ञान की गंगा बहती जाएगी, आपका योगदान इस गंगा को मिलेगा, तो हर हर गंगे होता चला जाएगा। तो इसको शेयर करना कभी मत भूलिएगा। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि वालों के मासिक राशि फल से। मेष राशि वालों, इस पूरे महीने के दौरान आपके आत्मबल में कुछ कमी परिलक्षित हो रही है, अच्छी बात नहीं है, उसकी वजह से कुछ इरिटेशन, कुछ परेशानियां आपको विचलित करेंगी, किंतु परिवारजनों का फुल टू फुल साथ आपके साथ है, उनका आशीर्वाद निरंतर लेते रहे, बहुत काम आएगा, उनकी वजह से आपको काफी लाभ की प्राप्ति हो रही है, के बार बार नहीं आते। भाई बहनों के साथ कुछ अड़चन वाली स्थिति दिखाई दे रही है, उसको संभालने का प्रयास करें। यहां मैं एक बात बता देता हूं आपको, हमारे जो रिश्ते हैं खून के रिश्ते, जिसमें मां बाप भाई बहन पुत्र पुत्री और हमारी अगर शादी हो रखी है तो हमारा जीवन साथी, ये भी खून के रिश्ते में ही शामिल हो जाता है, तो इन सब को आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कोई भी अड़चन आ रही है, कितने भी लड़ाई झगड़े हैं, कितने भी मतभेद हैं, कितने भी विवाद हैं, उनको सुलझा सकते हैं छोटे छोटे उपाय करके, प्रयास तो करके देखिए, हम आपके साथ खड़े हुए, हम आपकी मदद करेंगे इनको ठीक करने। चाहे आपका पुत्र कितना भी नालायक हो, आपको कितनी भी गालियां देता हो, या पुत्री आपसे नाराज हो, तो उनको ठीक करने का कार्य भी
वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय को द्वारा किया जा सकता है, चाहे पुत्र पुत्री की आयु 15 साल हो चाहे 55-60 साल हो। यह कोई जादू टोना या टोटके नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे देंगे। प्रयास तो करिए, हम आपके साथ हैं। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट बुक कराइए, बस बाकी हम देख लेंगे। तो बात कर रहे थे ये रिश्ते जो है भाई बहनों के साथ जो अड़चन आ रही थी, इस घर में जो अंधकार छाया हुआ है बाहुबल में आपके में, तो वो स्थिति ठीक होने लगेगी 12 जुलाई के बाद से, धीमे धीमे करके ठीक होती चली जाएगी। और 15 जुलाई को वहां पर जो बिल्कुल जो सूर्यदेव को ग्रहण लगा हुआ था वो स्थिति भी ठीक हो जाएगी, और वो सूर्यदेव वहां से मूव कर जाएंगे तो वहां पर आपको माता के घर में चले जाएंगे। अब माता के घर में चले जाएंगे यानी आपको आपकी माता की वजह से कोई खुशखबरी मिल सकती है, सरकार से संबंधित कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीजमेंट, कोई ट्रांसफर वनवांछित, कोई टेंडर इत्यादि की सूचना माता की वजह से मिल सकती है। तो माता का आशीर्वाद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सूर्य भगवान की या तांत्रिक मंत्रों की एक बीज वाला आप निरंतर करेंगे तो आपको और अधिक फायदा मिलेगा, भाई इंटरव्यू वगैरह की क्लियरेंस से संबंधित विधि विधान के साथ करिएगा तांत्रिक बीज मंत्र। अगर विधि विधान आपके पास नहीं है ना कैसे करना है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल है, हमें मेल करिएगा, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को सामने अंधकार छाया हुआ है, क्या करें क्या ना करें, ऐसी विषम परिस्थिति में फंस गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, विचलित हो रखे हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी जो विचलन है 15 जुलाई से ठीक होने लगेगी, उनमें बल मिलने लगेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपनी माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो निश्चय ही जो कुछ भी पढ़ेंगे लिखेंगे वो एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, शायद जॉब के इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या है, मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता, तो मैं गारंटी से उपाय करूंगा आपके अच्छे नंबर के लिए और आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए कि आपके हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय, साल में एक या दो बार करना है, दैट्स ऑल, भूल जाइए सब कुछ, बाकी तो हमारी गारंटी है। बात करूंगा मैं आपसे जीवन साथी के बारे में सबसे पहले, तो पहले तो जीवन साथी से पहले तो मुझे चेक करना चाहिए ना आपकी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रखी है, रिश्ते वाले आते हैं मगर रिजेक्ट करके चले जाते हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है ऐसे युवक युवतियां निराशा से भरते जा रहे हैं, क्योंकि बार बार उनके साथ यही होता है, एक दो बार होता है तो कोई बात नहीं, किंतु बार बार होता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दोष स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, और ये ग्रह दोष ऐसे दूर नहीं होंगे कि पुखराज की मुट्ठी पहन ली, अकेले को पेड़ को कर दिया, उससे तो खाली बृहस्पति देवता ठीक होंगे, अगर पता चला आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देवता की कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो किसी और ग्रहों की है, तो उन ग्रहों को ठीक करना पड़ेगा ना, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि लोगों को बता दिया जाता है जी आप पीपल के पेड़ की पूजा कर लो या बृहस्पति देवता के पेड़ की पूजा कर लो या बृहस्पति देवता के उपवास रख लो शादी हो जाएगी या पुत्राज की अंगूठी पहन लो, नहीं ऐसा नहीं है, ये आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग ही बता सकते हैं जिनको ज्ञान ना के बराबर है, क्योंकि ग्रह दोष अगर वहां शनि बैठे हुए तो वो क्या कर देंगे, भाई आप कर तो बृहस्पति की पूजा रहे, शनि तो उनके कट्टर दुश्मन है, ग्रह दोष तो शुक्र का है तो क्या करेंगे ये सब चीजें, तो ये हालात तो आपको मदद नहीं करेंगे। यहां मैं बात करूंगा उन लोगों की कि अगर आप शादी के लड्डू खाना चाहते हैं तो आपको इन ग्रह दोषों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दूर करना ही होगा। आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक वीडियो कॉल बुक कराकर मेरी मदद ले सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैं उनकी बात कर लूं तो महीने के शुरुआत में तो उनको कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है जीवन साथी की वजह से। नॉर्मल तौर पर इनका जो जीवन साथी है ना मेष राशि वालों का बहुत तनावपूर्ण संबंध, इतने बढ़ जाते हैं कि थाना कोर्ट कचहरी तक नौबत आती है, तलाक की नौबत तक आ जाती है, नॉर्मल कोर्स की बात कर रहा हूं, किंतु इन दिनों जीवन साथी बहुत लाभ पहुंचाने वाला है, परिवारजनों के साथ मिलकर बहुत खुशियां दे रहा है आपको, आप उसको एंजॉय करिए।
बात करता हूं, महीने के अंत तक आते आते ससुराल जाने की भी जरूरत पड़ सकती है। और भाग्य की अगर मैं बात करता हूं तो भाग्य के हालात ना बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर दौड़ रहे। कार्यस्थल के हालात भी ठीक नहीं है और आमदनी के हालात भी ठीक नहीं है। अब देखिए कितनी विकट परिस्थिति है, ना तो आपका ग्रह ठीक है, राशि का मालिक ठीक है, ना भाग्य का ग्रह उल्टा घूम रहा है, ना कार्य स्थल यानी नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं वो ग्रह भी ठीक नहीं है, अड़चन दे रहा है, आमदनी का ग्रह भी ठीक नहीं है। तो इनको ठीक नहीं करेंगे तो आपको तो परेशानियां बढ़ेंगी। तो आपको क्या करना चाहिए, वही उपाय करना चाहिए जो सारी दुनिया करती है, अपनी राशि रतन की, अपने भाग्य के रतन की, अपने कार्यस्थल के रतन की, आमदनी के रतन की, और जरूरत पड़ने पर अपने जीवन साथी के रतन की अंगूठी, तनाव जब रहता है, इनको मंत्र सिद्ध पाठ पति से जागृत कराकर आप धारण करें। इन अंगूठियों की जो लाइफ होती है ना, किसी भी असली रतन की अंगूठी की लाइफ 3 साल होती है, उपरतन की लाइफ 1 साल होती है। इसे दोबारा रिचार्ज या दोबारा मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि झूठे चीजों का मंत्र नहीं पढ़े जा सकते। आप जानते हैं एक बार भोग लगा लिया भगवान को तो दोबारा नहीं पढ़ सकते, तो ये कभी रिचार्ज वगैरह नहीं होती। मूर्ख लोगों का कहना है कि ये दोबारा मंत्र पढ़ देते हैं इसको। इन रत्नों की अंगूठियों को आप ही नहीं धारण करते हैं। अगर हमारे देश की बात करें तो हमने राष्ट्रपतियों को भी पहने देखा है, तो प्रधानमंत्रियों को भी पहने देखा है, मुख्यमंत्रियों को पहने देखा है, तो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी इनको पहनते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स यानी सबसे बड़े बिजनेसमैन भी इनको पहनते रहे। पहनने को तो इनको सभी एक्टर एक्ट्रेस जो टॉप के हैं या फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं वो पहनते रहे, आम आदमी यानी आप और मुझ जैसे लोग भी पहनते हैं, राजा महाराजा भी पहनते हैं, तो आप क्यों नहीं पहन सकते इन ग्रहों को ठीक करने के लिए? मेरे द्वारा आपके साइज के अनुसार बनवाकर, आपके नाम से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कर तैयार की जाने वाली ये अंगूठियां घर बैठे आपको पूरी दुनिया में कहीं भी भेजी जा सकती है। वीडियो कॉल पर आपसे आपकी स्थिति के बारे में एक बार चर्चा करने के उपरांत तो बात करते हैं आपके अपने आत्मबल द्वारा खर्चे पर, अपने ऊपर भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है, सावधान है। और यहां मैं बात करना चाहूंगा उन व्यक्तियों के बारे में जिनके पास अपना खुद का कार्यस्थल नहीं है, या कार्यस्थल को आप जाता हुआ देख रहे हैं, हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है, यानी ऑफिस नहीं है, गोडाउन नहीं है, शोरूम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, या मकान ही नहीं है, हर महीने इनका किराया दे देकर दीजिए। तो ऐसी स्थिति के लिए आप अपने ग्रहों को मजबूत करिए, दूसरों को दोष मत दीजिए, भाग्य को दोष मत दीजिए, आप कर्म तो करिए, अपने ग्रहों को तो ठीक करिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में धीमे धीमे करके आपको उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप अपना खुद का मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन खरीद सके। हमने एक ऐसे व्यक्ति को मकान खरीदवाया है, बल्कि एक व्यक्ति को इटली में और एक दो व्यक्तियों को यहाँ मकान खरीदवाया है दिल्ली के अंदर, जिनके पास मात्र 1 लाख रुपए था और इटली वाले के पास तो वो भी नहीं था। उस अवस्था में भी इन दोनों व्यक्तियों ने हमारे छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने के पश्चात मकान खरीदा, और इटली वाला तो इतना क्लेवर पर्सन निकला कि उसने मकान ही नहीं खरीदा, दोबारा से रिपेयर वगैरह करने मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया उस मकान के। तो मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों को इतना चमत्कारी देखता हूं जो कमाल कर देते हैं, मगर उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो दृढ़ आस्था के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान में अटूट श्रद्धा रखते हुए, सनातन हिंदू धर्म में श्रद्धा रखते हुए इनको धारण करते हैं। ये नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने, अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, अरे होने को तो आधे घंटे में ही शुरुआत हो जाएगी अगर छोटी मोटी कमी होगी। बड़े बड़े परेशानियों को संभालने में टाइम लगता है। और बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी जीवन में अभी तक संतान रूपी खुशियां प्राप्त नहीं हुई, दवा खा खा कर डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर सालों व्यतीत हो गए मगर संतान नहीं हुई, बार बार मिस कैरेज हो रहा है मगर संतान नहीं हुई। ऐसी स्थिति में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। एक बार
वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे एक वीडियो कॉल बुक कराएं। हम निश्चित रूप से भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको संतान रूपी खुशियां सीखता सीख प्राप्त हो सके। आज इस महीने के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः प्रस्तुत होंगे आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव। कहाँ से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरु जी के पास आए, गुरु रजनी शिशि जी के पास और गुरु मारुकमणि जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा और मैं 4-5 महीने से जुड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मेरे सारे काम बन रहे हैं और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी मतलब नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। आपको गुरु जी ने कितनी रेंज करवाई है? रेंज दिखाओ। चार रिंग है, मैं लगभग 7-8 स्टोन लिए हैं, एक गले का भी है और 4 अंगूठे हैं। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब बढ़िया लग रहा है और 100% परिचित हुए हैं। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरु जी गुरुवा के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से तो एक बार गुरु जी से जरूर मिले और मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान जरूर होगा। Thank you.